Come in. सुना आपने? नहीं, और सुनना भी नहीं चाहता। उसने एक और खून कर डाला। इतनी जल्दी? वही सब कुछ। उसने एक नोट भी छोड़ा है, यही कि वो इस धरती से बेवफाई का नामो निशान मिटा देना चाहता है। सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे लगा शायद आप जानना चाहेंगे। I'm sure, ये केस मुझसे ज्यादा तुम अच्छी तरह हैंडल कर रहे हो। Yes, yes, definitely. लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ काम करने के लिए आया था। करेंगे क्या आप वापस जाके? आप बस, अब मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं तो अब इस शहर को नहीं समझ पाता। ऐसा ही था ये शहर हमेशा। शायद तुम ठीक कहते हो, इसलिए गांव वापस जाना चाहता हूं। बहुत रह लिया इस शहर में। रुक जाइए यहीं पर। वैसे भी आपकी सारी उम्र गुजर चुकी है यहीं पे काम करते करते। आपको मालूम है, सीरियल किलर को पकड़ने के लिए हमको आपकी जरूरत है। यू आर द बेस्ट मैन वी हैव। या शायद मैं गलत कह रहा हूं। लगता है अब ये सब आपके बस की बात नहीं रही। आप सठिया गए। तुम आ गई। How are you? Why are you so upset? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है विकी। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। You're doing your job. सबको इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो? This case is just your job. लोग यही कहते हैं, it's just a job. पर मेरे लिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं है। मैं यहाँ पर अपने घर में अपनी बीवी के साथ आराम से बैठा हूँ, और वहां पर वो कुत्ता अपने वॉट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग के चक्कर में एक नई औरत को सजा देने जा रहा है, और मुझे मेरी डिपार्टमेंट को उसकी भनक तक नहीं। दो हफ्तों के गैप में दो मर्डर हो चुके, और हमें तब पता चलता है जब वो हमें खुद बताता है, हमारे कंट्रोल रूम के कंप्यूटर के मेन फ्रेम में मैसेज छोड़कर। सो हेल्पलेस। I'm gonna leave that maniac.
हम क्या कर सकते हैं? प्रेस से कह दो, शहर के हर आदमी को हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। इस कातिल का दिमाग समझने के लिए हमें वक्त चाहिए। उसका सब कुछ प्री प्लान था। हाँ कह दो, प्रेस जो लिखना चाहती है लिख सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केस भी किसी के कुछ समझ नहीं आएगा। कोई क्लू नहीं, एक फिंगरप्रिंट तक नहीं मिली उसको। कुछ मालूम हुआ? सर अभी तक तो कुछ भी हाथ में नहीं आया है। कातिल बिल्डिंग में दिन के वक्त आया होगा, बिल्डिंग बंद होने से पहले, सिक्योरिटी टाइटन अप होने से पहले। स्मृति बिस्वास उस रात को देर तक काम कर रही थी। ऑब्वियसली वो इस शहर की सबसे बड़ी और नामी वकील थी, इनफेमस एक्चुअली। कई हाई प्रोफाइल डिवोर्स केसेस हैंडल कर रही थी वो। कातिल को सेंसेशन क्रिएट करने के लिए उससे अच्छा विक्टिम नहीं मिल सकता था। स्मृति बिस्वास की लाश सोमवार की रात को मिली। इसका मतलब अगर कातिल दफ्तर में फ्राइडे को पहुंचा हो तो उसके पास पूरा सैटरडे, पूरा संडे था स्मृति बिस्वास के साथ अपना खेल खेलने के लिए। कातिल ने पहले स्मृति बिस्वास को स्ट्रिप किया और फिर उसे कुर्सी से बांध डाला, लेकिन उसके हाथ खुले छोड़ दिए और उसके हाथों में एक चाकू थमा दिया। अ बिग बुचर्स नाइफ टू बी प्रिसाइज। ये देख रहे हो स्केल्स, इंसाफ का तराजू। मांस सिर्फ 1 किलो, ना ज्यादा ना कम। अगर स्मृति बिस्वास कातिल को 1 किलो मांस दे पाती तो वो वहां से चला जाता। लेदर चेयर स्मृति बिस्वास के पसीने से तर थी। पूरा सैटरडे और पूरा का पूरा संडे कातिल ने स्मृति बिस्वास को पूरा मौका दिया ये सोचने का कि वो 1 किलो मांस कहां से देना चाहती है, शरीर के किस भाग से, ताकि वो बच जाए। फिर वो उसके सामने बैठा रहा, अपनी बंदूक उसके चेहरे पर ताने। बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। आखिरकार उसने फैसला किया और अपने पेट के नीचे वाले हिस्से को काटना शुरू किया, लेकिन 1 किलो मांस। We're missing something. सीन ऑफ क्राइम पर कोई ना कोई क्लू तो छोड़ा होगा। नहीं, कुछ नहीं, not even a goddamn fingerprint. Mr.
विश्वास के फ्रेम की भी तस्वीर मिली फ्लोर पर। शायद वो ये कहना चाहता है कि उन्हें अपने पति के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। मिस्टर विश्वास से हमने ये बात कन्फर्म की कि उनकी पत्नी उन्हें तलाक दे रही थी, उनका अफेयर भी चल रहा था। मिस्टर विश्वास को हम 3-4 बार इंटेरोगेट कर चुके हैं, शायद वो कातिल को जानते हैं, इसलिए हमने उनको एक सेफ जगह पर रखा है। क्या मालूम कातिल का क्या इरादा है। नहीं नहीं, कातिल के सारे विक्टिम्स औरतें हैं, ऐसी औरतें जो अपने पति को धोखा दे रही हैं, या फिर ऐसी औरतें जिनके एक से ज्यादा मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। और कातिल की नजर में स्मृति विश्वास का गुनाह सबसे बड़ा था, क्योंकि वो अपने पति को धोखा दे तो रही थी, कई औरतों को उन्होंने डिवोर्स भी दिलवाया था। इसलिए कातिल ने उसे सजा दे दी इंसाफ के तराजू पर। बहुत ही दकियानूसी मेल शॉविनिस्ट पिग है ये, सीरियल किलर। सुनीता, इट टेक्स ऑल काइंड्स टू मेक द वर्ल्ड। नाउ इफ यू डोंट माइंड बेबी, प्लीज जरा दो बियर लाना। अरे रहने दो यार, जब से आए हैं उसे परेशान कर रहा हूं। नो नो, आई रियली डोंट माइंड। शैल आई गेट यू वन? नो थैंक्स। देखो कुछ तो है। कातिल कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। अब मिस्टर विश्वास की तस्वीर फर्श के बीचों बीच रखने का क्या मकसद हो सकता है? या तो वो मिस्टर विश्वास को कुछ दिखाना चाहता है, या फिर कुछ बताना चाहता है। लेकिन क्या? अब ये तो मिस्टर विश्वास ही बता सकते हैं। सॉरी मिस्टर विश्वास, आई रियली एम। आप जानना क्या चाहते हो? जो कुछ भी मुझे पता था मैंने सब कुछ बता दिया। मिस्टर विश्वास, चाहते हैं आप इन तस्वीरों को देखें। हमें लगता है कातिल आपसे कुछ कहना चाहता है, आपको कुछ दिखाना चाहता है। अगर आपको इन तस्वीरों में कुछ भी स्ट्रेंज आउट ऑफ प्लेस नजर आता हो, प्लीज आप ध्यान से देख के हमें बताइए। लेकिन अब इन सबसे क्या फायदा? स्मृति तो चली गई, शायद अगर वो जिंदा होती तो प्लीज मिस्टर विश्वास, अगर आप चाहते हैं कि कातिल पकड़ा जाए तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। प्लीज मिस्टर विश्वास। नोटिस किया ये पेंटिंग? क्या हुआ इस पेंटिंग को? ये पेंटिंग उल्टी क्यों है? Nothing.
nothing. There's got to be something. बेवकूफ बना रहे हैं हमें, हमारा मजाक बना रखा है। Glass.